दोस्तों आज का वीडियो काफी कमाल का होने वाला, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आगे जाके आप अपने फ्यूचर के अंदर अपना घर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल के जरिए अपने खुद का घर का यहाँ पे पूरी तरह यहाँ पे डिजाइन कर पाएंगे। आपको जो भी यहाँ पे दोस्तों सेट करना है, पूरी तरह प्लानिंग के साथ अपना घर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, हाउस होम या फ्लैट, जो भी आप अपने रूम को यहाँ पे पूरी तरह यहाँ पे डिजाइन करना चाहते तो आज आपके मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल के जरिए यहाँ पे पूरा 3D में यहाँ पे दोस्तों आप अपने घर को डिजाइन कर पाएंगे अपने मोबाइल के जरिए। तो दोस्तों कैसे होगा तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सलीज जला और टेक्निकल सलीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने होम या अपने रूम को यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहते हैं वो भी अपने मोबाइल के जरिए, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और जिसका नाम है प्लानर 5D। तो इस ऐप की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दी, तो आप वहाँ से जाकर उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे दोस्तों उसको डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो कि यहाँ पे एक रूम है और इस रूम का डिज़ाइन मैंने खुद किया है। मेरा यूट्यूब का एक सेटअप बनाने वाला हूँ आगे जाके, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने उसको खुद यहाँ पे डिज़ाइन किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं या अभी 2D में जैसे कि मैं 3D में डालता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक एक यहाँ पे जो भी सब कुछ है वो सब मैंने इसको ऐड किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही रूम का है और इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको डिज़ाइन किया। यहाँ पे डोर विंडो वगैरह कुछ सब कुछ यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लगता है। तो चलिए आपको अगर आप अपने होम का डिज़ाइन करना चाहते हैं, अपने रूम का डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कैसे करना, तो यहाँ पे मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे जो न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ये चौरस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रूम का यहाँ पे है, अगर इसका जो रूम का साइज दीवार वगैरह साइज का है अगर आप बढ़ाना चाहते हो, सिंपल साइज दीवार पर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका जो डिज़ाइन है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे और यहाँ पे जो इसका साइज है वो भी आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे अपना एक बड़ा सा यहाँ पे होम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग अलग यहाँ पे फ्लोर जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो इस लेयर में जाके यहाँ पे ऐड फ्लोर पे क्लिक करके अलग अलग यहाँ पे जो रूम है वो आप ऐड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ही रूम का यहाँ पे करके दिखाऊंगा और ये अभी 2D में, जैसे यहाँ पे 3D में डालता होते यहाँ पे देख सकते इस तरह से यहाँ पे लगने लगा है। यहाँ पे इस तरह से ये एक ही रूम का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आप यहाँ पे मैं इसके अंदर जो भी ऐड करना है वो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपल से आपको प्लस के अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो होम है उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे विंडोज़ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं ये वाला विंडो लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुका है। तो इसको आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है इस तरह से, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको अंदर यहाँ पे लाना है और यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ इस तरीके से, ये अटैच हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फिर इसके बाद चलिए यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे जैसे प्लस के आइकन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डोर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे मैं ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको भी यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे इसको भी यहाँ पे अटैच करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये अटैच हो गया। तो इस तरह आप जो भी दीवार पे यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, इसको रोटेट भी आप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं और कुछ यहाँ पे ऐड करता हूँ, आपको मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ तो बता ही दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते यहाँ पे जो लॉक ऑप्शन है वो आप यहाँ पे नहीं ले सकते, अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते इसको परचेस करना पड़ेगा तभी आप इसको यहाँ पे ले पाएंगे। फिर इसके बाद इसमें बहुत सारे फ्री में भी बहुत कुछ यहाँ पे दिए गए, जैसे कि यहाँ पे मैं अदर यहाँ पे जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ अगर आप इस तरह से यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर बहुत कुछ यहाँ पे दिए, जैसे कि अगर आप ये लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको लाना है और इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप रोटेट भी कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फिर इसके बाद यहाँ पे जो आप इसको रखना चाहते हैं वो इस तरह से रख सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ और तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ इसमें से लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्टैंड वगैरह यहाँ पे दिए गए, जैसे कि TV स्टैंड है वो इस तरह से यहाँ पे दिए गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इसको यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ये वाले को यहाँ पे ये जो टेबल है सॉरी यहाँ पे इस तरह क्लिक करना है आपको इसके ऊपर और यहाँ पे
इस तरह से रख देना है। तो जहाँ पे सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ज़्यादा तो यहाँ पे सब कुछ बता नहीं पाएंगा, लेकिन अपने हिसाब से आप बहुत ही अच्छे से आप अपने रूम का डिज़ाइन कर पाएंगे। बहुत ही ईजी है इस तरह से आपको बनाने, और 3D में खास बात है ये 3D में दिखता है, जो कि आप अपने हिसाब से आपको पूरी तरह ऐसा लगेगा रियल है इस तरह से यहाँ पे लगने लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और भी बहुत कुछ यहाँ पे दिए गए, जो कि आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि लाइटिंग है, वीडियो एंड TV आप ऐड कर सकते हैं, फिर इसके बाद ऑडियो में कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे पीपल वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इसके बाद इसमें जाएंगे तो यहाँ पे पेटियो सब यहाँ पे दिए गए, जैसे ग्रेज यहाँ पे फिर पूल है, वो सब कुछ यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सब कुछ इसमें ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों यही है, इस तरह से आप अपने होम या अपने रूम का यहाँ पे पूरी तरह यहाँ पे डिज़ाइन कर पाएंगे, वो भी यहाँ पे 3D के अंदर। तो आप आगे जाके इस तरह से दोस्तों अपना घर बनाना चाहते हो, तो इस तरह से आप अभी से अपने मोबाइल से यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं इसी टाइप का। तो दोस्तों अगर आपको ये ऐप अच्छी लगी और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो में कोई सवाल सुझाव तो नीचे कमेंट जरूर बताना, मैं स्क्रैप ला जरूर दूंगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो बस फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।